चिराग पासवान नौजवान आदमी हैं और इनके पिताजी का आशीर्वाद उनके ऊपर था। वो जिस तरह से राजनीति को समझते हैं, अपना सूझ बूझ के साथ कोई भी निर्णय लेंगे, अगर अच्छा लेंगे तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। LJP में हुई टूट के बाद चिराग पासवान को अब कांग्रेस का सहारा मिल गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पशुपति पारस पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि भले ही इस वक्त पशुपति पारस ने अपने तत्कालीन लाभ के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन आगे चलकर उनको इसका खामियाजा भुगतना होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास ने ये भी कहा कि रामविलास पासवान ने दलित राजनीति के तहत जिस पार्टी को खड़ा किया था, वो पार्टी आज भी चिराग पासवान के साथ है और कांग्रेस ये बात मानती है कि चिराग पासवान एक मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। इतना ही नहीं, बिहार के लिए वो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी साबित होंगे। तो इस वक्त LJP में टूट को लेकर चिराग पासवान को कांग्रेस का सहारा मिल चुका है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास का, आप पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए, आदमी लालच में कहीं भी चला जाए, ये संसद लोग जो गए हैं उनको, जो वोट बैंक को छोड़ के गए, उनका वर्तमान आवश्यकता कुछ होगा सत्ता में बने रहने का, क्या कोई जरूरत होगा। वोट को वो लोग जरूरत नहीं समझे, क्योंकि वोट बैंक जो वो लोग लोजपा से चले गए उनका वोट बैंक खत्म हो गया, तो अगले बार उनमें से जितना मुश्किल हो जाए। तो गलत किया, अच्छा राजनीतिक निर्णय नहीं। नीतीश कुमार की क्या भूमिका रही, आप कैसे? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, वो किस तरह से कर रहे हैं, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, वो वही जाने, उस पर हम क्या कहें। कहा जा रहा है सर कि कांग्रेस के कई नेता जेडीयू के संपर्क में हैं, टूट के कगार पे है कांग्रेस। जेडीयू का ऐसा दावा है, इसका मतलब मैं नीतीश कुमार जी मेरे मित्र हैं तो मैं संपर्क में हूँ तो जाएगा। अशोक चौधरी पार्टी का प्रेसिडेंट रहे हैं, कई लोगों से उनका मित्रता है, बातचीत होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दावे का हमारे MLA लोगों ने तो कितना बोल्ड स्टेप लिया है, आप देख चुके हैं उनका बयान वगैरह मेरे पास पहुंचा है। आप सीपी सिंह कैसे, नियुक्ति ना हो चुकी है कांग्रेस बंगाल में, जहां सरकार होती थी वहां पे सीट नहीं रहता, नहीं रहना चाहते हैं कांग्रेस नेता साहब। अब कांग्रेस कितना मजबूत हुआ है इन दिनों, ये भी आप लोग देखे हैं, दूसरे पार्टी भी कितना चिंतित है कांग्रेस की मजबूती से। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस क्या है ये बिहार में तो पता चल गया है, और आगे कांग्रेस इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा मजबूत होगा। विधायकों की टूट सर पूरी तरह से खारिज कर रहा है, विधायकों में जो टूट की बात हो रही है सर, ये तो कोई बेकार की बात है, कोई आधार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई भी गपशप कर देगा और इसको लेके आप लोग चलाएंगे तो क्या फायदा, क्या तो लगातार गपशप कर रहे हैं हर बार, इन गपशप का कोई आधार होना चाहिए, कोई ठोस एक व्यक्ति किसी दूसरे विधायक से या किसी से बात किया हो, है नहीं, कोई जब ठोस आधार नहीं है तो हवा की बात को मुद्दा बनाए बिहार जैसे राज्यों में ठीक नहीं। एक लोजपा के चले गए कुछ लोग, उनका आधार को खत्म करके गए, कॉम्प्रोमाइज किए व्यक्तिगत, राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये व्यक्तिगत कॉम्प्रोमाइज। चिराग पासवान के लिए क्या विकल्प बच जाता है? चिराग पासवान नौजवान आदमी हैं और इनके पिताजी का आशीर्वाद उनके ऊपर था, वो जिस तरह से राजनीति को समझते हैं, अपना सूझ बूझ के साथ कोई भी निर्णय लेंगे, अगर अच्छा लेंगे तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। अच्छा निर्णय किसे कहेंगे सर, कांग्रेस के साथ आना या फिर जहां है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते उनके लिए क्या अच्छा है, वो समझेंगे। पर क्या ऑफर होगा आप लोग की तरफ से अगर आना चाहें? ठीक है, कांग्रेस में काफ़ी लोग अभी ज्वाइन किए हैं और आने वाले हैं भी, और कांग्रेस विश्वास करता है दलित पिछड़े बैकवर्ड लोग जितने हैं और सभी धर्म जाति के लोग जो आना चाहते हैं कांग्रेस में आ रहे हैं, जो भविष्य में आना चाहेंगे आएंगे, आना जाना एक प्रक्रिया है, तो इसमें
हम पहले से क्यों कहें, जब तक हम चिराग जी के बारे में कुछ नहीं बात चले या चिराग जी का ओपिनियन पता नहीं चले तो ऐसे कहने से कोई अर्थ नहीं है। अभी कमजोर हो गए हैं चिराग, अभी के समय में कुछ सहयोग आप लोग मोदी के हनुमान खुद को कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, यही डर है कि आप लोग लेना नहीं चाहते हैं हनुमान को, इधर लाना नहीं चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं, चिराग एक इंस्ट्रूमेंट है, चिराग कैन बी ए बेटर इंस्ट्रूमेंट फॉर बिहार पीपल फॉर एनीवन, तो इसको हम आने नहीं आने का हम बात नहीं करना चाहते। तो इस वक्त जब चिराग पासवान को बीजेपी के सहारे की जरूरत थी, ऐसे में अब कांग्रेस सामने आकर चिराग पासवान की मदद कर रही है। इतना ही नहीं, भक्तचरण दास ने स्पष्ट होते हुए ये भी कहा कि अगर चिराग पासवान हमारे साथ आना चाहते हैं तो वे आ सकते हैं, हम इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि चिराग पासवान को ही सोच विचार करनी होगी। और इस वक्त पशुपति पारस ने जो कुछ भी किया है वो बेहद गलत है। रामविलास पासवान ने जिस दलित राजनीति के तहत जिस पार्टी को खड़ा किया था वो पार्टी आज भी चिराग पासवान के साथ है, उनके सपोर्ट में है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान एक मजबूत दावेदारी भी पेश करते हैं, अगर वे चाहें तो अगले चुनाव में वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो इस वक्त बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से दिया गया है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि चिराग पासवान बिहार के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।